फाइन, सो कंटिन्यू करते हैं वहीं से मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड में हम बात कर रहे थे, बता रहे थे दैट वी वॉन्ट टू नो, वी वॉन्ट टू स्पेसिफाई द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट इन वेरियस रीजन्स, वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग रीजन में, अलग अलग डायरेक्शन में जो मैग्नेट है उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से वेरी करता है, किस तरह से हैक करता है, वो हम फाइंड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जो एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे सपोज किसी रूम में एक लाइट सोर्स, एक ट्यूबलाइट लगी है या एक बल्ब लगा है, देन देर विल बी सम रीजन्स इन विच द लाइट विल बी वेरी ब्राइट, काफी ब्राइट होगी। कुछ रीजन्स होंगे जहां पर डिम होगी, कुछ रीजन्स होंगे जहां बहुत ज्यादा डिम होगी, कुछ रीजन होंगे जहां बिल्कुल डार्क होगा, वहां लाइट वो पहुंचेगी ही नहीं। सो इस तरह से हमने उस बल्ब की, उस लाइट सोर्स की जो फील्ड है वो डिफाइन कर दी कि भाई ये लाइट सोर्स जो है इसका इफेक्ट अलग अलग जगह पर अलग अलग रीजन में कैसा है। सिमिलरली अगर एक मैग्नेट रखा है तो हम उसके आसपास के रीजन में उसके इफेक्ट्स को समझना चाहते हैं, वी नी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ दैट मैग्नेट अराउंड इन द रीजन सराउंडिंग। उसके लिए हम ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि मैग्नेट के आसपास जो भी रीजन है जिसमें मैग्नेट का इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, उस रीजन में डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जैसे जहां जहां पर लाइट डिटेक्ट हो सकती है वहां पर उस लाइट सोर्स की फील्ड है, जहां पर नहीं डिटेक्ट की जा सकती वहां नहीं है। तो हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक मैग्नेट जो है वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंसेस तक ही ऑब्जेक्ट्स को अपने पास अट्रैक्ट कर पाता है। अगर बहुत ज्यादा दूरी पर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो वो मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट मीन्स देर आर सम लिमिटेशंस टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेट रखा है तो वो कहीं से भी चीजों को अट्रैक्ट कर लेगा। सो हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर दें, हम सिंपली बोल रहे हैं द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस और वी कैन से फोर्स can be felt or observed is said to have a magnetic field. The region around a magnet in which its influence, that is its force, can be felt or observed is said to have a magnetic field. एक मैग्नेट के आसपास जो भी रीजन है जिसमें उसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है उस रीजन में हम बोल देते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। नाउ हम ये देखना चाहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब ये इन्फ्लुएंस फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो फोर्स हम जानते हैं फोर्स की एक डायरेक्शन होती है और उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, कहीं फोर्स वीक हो सकता है, कहीं फोर्स स्ट्रांग हो सकता है, और उसकी हमेशा एक डायरेक्शन भी होती है।
दैट मीन्स अगर हमें इस मैग्नेटिक फील्ड को समझना है तो हमें इस इन्फ्लुएंस को, इस फोर्स को मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज दोनों तरह से एनालाइज करना पड़ेगा. नाउ एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी को अगर हमें डिटेक्ट करना है, अगर हमें मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट करना है, तो डेफिनेटली हमें एक दूसरा मैग्नेट भी लेकर आना पड़ेगा. ठीक है, हमें एक दूसरा मैग्नेट भी लेकर आना पड़ेगा, तभी हम किसी एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. या फिर हमें आयरन, निकल, कोबाल्ट जो हमने मटेरियल बताए थे, वो मटेरियल लेकर आने पड़ेंगे. सिंपली अगर एक मैग्नेट रखा है तो हम उसकी फील्ड को एनालाइज नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते. बिकॉज जब तक हम उसके फोर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम इस फील्ड को नहीं समझ पाएंगे. सो टू डिटेक्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड, कहां कहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरह से है, वो डिटेक्ट करने के लिए हमें या तो एक मैग्नेट लाना पड़ेगा, या फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल जो हमने मटेरियल्स बता रखे, उस मटेरियल को पास में लेकर आना पड़ेगा. राइट, सो हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने के दो तरीके स्पेसिफाई कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं या तो मैग्नेट के आसपास आयरन लेकर आ जाओ, आयरन के पीसेस लेकर आ जाओ, ठीक है, या फिर हम बोल रहे हैं उसके पास एक और मैग्नेट लेकर आ जाओ. हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करने के लिए, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करने के लिए हम एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम एक पेपर पर या एक कार्डबोर्ड पर एक बार मैग्नेट रख देते हैं, ये बार मैग्नेट रख दिया हमने उस पर, और उसके आसपास जो है आयरन फाइलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आयरन फाइलिंग्स उसके आसपास प्लेस कर देते हैं. ठीक है, आयरन फाइलिंग्स आर नथिंग, आयरन के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस, बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस, पाउडर काइंड ऑफ पीसेस, उसके आसपास हम आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड कर देते हैं, और फिर हम उस कार्डबोर्ड को एक हल्का सा जो है जर्क देते हैं, हम उसको टैप करते हैं. ठीक है, उससे क्या होगा, जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी, वो अपनी प्लेस से डिस्टर्ब होंगी, और उन पर ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लगने लगेगा. जैसे ही उन पर मैग्नेट का ये मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेंगी आयरन फाइलिंग्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और फिर वो जो हल्का सा हमने डिस्टर्बेंस दिया था उसकी वजह से वो सारी आयरन फाइलिंग्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड में जो हम ये फोर्स इन्फ्लुएंस बता रहे हैं उसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और फिर एक बार थोड़ा सा डिस्टर्ब होके वापस से उसी कार्डबोर्ड पे सेटल हो जाएंगे. जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो हम देखते हैं एक पिक्यूलियर पैटर्न में, एक स्पेसिफिक पिक्यूलियर पैटर्न में आयरन फाइलिंग्स जो है वो हमेशा अरेंज होती हुई हमें दिखती है. वो जो पैटर्न है वो कुछ ठीक है, समथिंग लाइक दिस. वो जो पैटर्न है वो हम देखेंगे, हमेशा हमें इसी तरह का दिखेगा. ठीक है, हमने क्या किया है, हमने कार्डबोर्ड पर एक बार मैग्नेट रखा,
कुछ आयरन फाइलिंग्स आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर दी उसके चारों तरफ, और फिर उस कार्डबोर्ड को हल्का सा एक दो बार टैप किया हमने, और हम देखेंगे हमेशा कुछ इस अरेंजमेंट में, इस तरह के शेप में, इस तरह के अरेंजमेंट में जो है वो आयरन फाइलिंग्स अलाइन हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हम ये एक सिंपल से छोटे से एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी क्रूड मेथड, ये एक बहुत ही क्रूड मेथड है। इसमें एग्जैक्टली स्पेसिफिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ में आती है, और आयरन फाइलिंग्स में जो है वो इतनी क्लियरली कोई डिमार्केशंस नहीं बनाती है। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ये बस रिप्रेजेंटेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अ बेटर वे, अ बेटर मेथड इज टू यूज अनादर मैग्नेट एंड देन डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। हम एक दूसरा मैग्नेट लेकर आए और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करें, मैग्नेटिक फील्ड को वहां पर एनालाइज करें। सो इस पर्पस के लिए जो है हम एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विच इज नोन एज अ कंपस, मैग्नेटिक कंपस। ठीक है, हम एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड कंपस, मैग्नेटिक कंपस। कंपस में क्या होता है, हम एक क्लोज्ड बॉक्स में एक इस तरह का हम बॉक्स ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, इस तरह से एक छोटा सा बॉक्स ले लेते हैं जिसका टॉप पार्ट जो है, जिसका टॉप पार्ट जो है वो ग्लास से कवर्ड होगा, ये वो ग्लास से कवर्ड होता है, और इस बॉक्स में बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में जो है एक पिन लगी होती है, एक छोटी सी पिन लगी होती है, और उस पिन के ऊपर हम एक बहुत ही हल्का सा, बहुत ही लाइट वेट जो है मैग्नेट माउंट कर, ठीक है, जिसका शेप हम जनरली देखेंगे डायमंड शेप का होगा। This is a very light weight, a very light weight magnet. Mounted on a pin. बॉक्स में एक पिन लगी होती है, उस पर इस मैग्नेट को माउंट कर देते हैं और ऊपर से भी फिर उसको सील कर देते हैं। नाउ इस अरेंजमेंट से हो क्या रहा है, दिस मैग्नेटिक नीडल, ये जो पार्ट है, ये जो मैग्नेट है, इसको हम मैग्नेटिक नीडल बोल देते हैं। This magnetic needle is free to rotate. ये जो magnetic needle होती है
ये क्योंकि एक पिन के ऊपर माउंटेड है और बहुत ही लाइट वेट है, सो इट इज फ्री टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन. इट इज फ्री टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन. कहीं भी ये घूम सकती है. अब इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, इस पूरे सेटअप से क्या फायदा मिल रहा है, क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है. हमने मैग्नेट्स के बारे में एक प्रॉपर्टी बताई थी दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. एक मैग्नेट को हम अगर फ्रीली सस्पेंड कर दे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, और नॉर्थ वाली साइड जो एंड पॉइंट करता है उसको हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं और साउथ वाली साइड को साउथ पोल. अब ऐसा होता क्यों है, जब हम इसको एनालाइज करें कि ये जो फिनोमेना है ये एक्चुअली होता क्यों है, ठीक है, इसको डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा जो हम यहां पर समझ सकते हैं. हम आगे जाकर पढ़ते हैं कि अर्थ जो है उसकी खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है. अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट. अर्थ की खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और एक्चुअली होता यह है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जहां होती है उसी डायरेक्शन में मैग्नेट्स हमेशा अलाइन हो जाते हैं, ठीक है. तो मैग्नेट्स जो है वो एक्चुअली किसी भी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए जाए तो उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. इफ दे आर फ्री टू मूव, फ्री टू रोटेट, ठीक है. सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेफिनेटली इस तरह से साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होती होगी. इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी मैग्नेट है वो हमेशा इस तरह से साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है. नाउ दिस इज देयरफॉर अ जनरल फिनोमेना, मतलब हम एक मैग्नेट को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, एक दूसरी एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो मैग्नेट हमेशा उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाना चाहिए. अब ये जो कंपस नीडल है, ये कंपस नीडल जो है इसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा. नॉर्थ पोल जनरली इस तरह से मार्क होता है उस नीडल पे, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कौन सा एंड नॉर्थ है. अब अगर ये कंपस नीडल, अगर ये कंपस नीडल सिंपली कहीं पर भी रखी, अगर ये कंपस सिंपली कहीं पर भी रखा हुआ है और वहां पर कोई दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो हमने बात की वो ही है, तो ये कंपस नीडल किसी और मैग्नेट की तरह, किसी भी और मैग्नेट की तरह वही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है. इसीलिए हम बोलते हैं दैट दिस कंपस हेल्प्स अस इन फाइंडिंग डायरेक्शंस. अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो हमें बाकी सारे डायरेक्शंस भी पता चल गए. अगर इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट, ठीक है. तो जनरली जब लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं और इस तरह की प्लेसेस पर जाते हैं जहां पर कोई और तरीका नहीं है डायरेक्शंस ढूंढने का, रोड पर जा रहे हैं हमें नहीं पता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पर हम फिर ये कंपस नीडल यूज करते हैं, कंपस यूज करते हैं टू गेट द डायरेक्शंस. डायरेक्शंस पता करने के लिए हम ये कंपस यूज करते हैं, ठीक है. नाउ दिस कंपस विल शो द प्रॉपर डायरेक्शंस ओनली इफ देर आर नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स. लेकिन अगर हमने इस कंपस को
किसी दूसरी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो वो उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, बिकॉज तब फिर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी वीक हो जाएगी और कंपैरेटिवली जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन में ये कंपास अलाइन हो जाएगा। तो यहां पर हम इसकी वर्किंग बता रहे हैं, दैट इफ अ कंपास इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड the needle aligns in the direction of magnetic field. अगर ऐसा हमें केस देखने को मिलता है, मतलब इस जगह पर जो है इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। ठीक है, मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो नाउ अब हमें एक मेथड मिल गया है, अब हमें एक तरीका मिल गया है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को और बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड को और क्लियरली बताने के लिए हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेप्चुलाइज करते हैं बिकॉज हम जानते हैं दैट पिक्टोरियली अगर हम कोई भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली अगर हम कोई चीज रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजेस के फॉर्म में जब हमें कुछ दिखता है तो वो हमारे ऊपर ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। सिर्फ एक इमेज में ही बहुत सारी हिडन इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक ग्राफ में कई सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। सिमिलरली हम यहां पर भी somehow मैग्नेटिक फील्ड को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, हम कुछ पिक्चर के थ्रू, कुछ लाइंस के थ्रू, कुछ इमेजेस के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेप्चुलाइज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कैसे कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं उसको समझते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही समझना चाहते हैं, दोनों को ही शो करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कैसे करना है वो हम यहां पर बता चुके हैं। हम एक कंपास ले लें, उस कंपास को मैग्नेट के पास में अगर हम रखेंगे तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी
वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये कंपास अलाइन हो जाएगा, वो डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। सो हम यही करते हैं, हम एक मैग्नेट लेते हैं, हम एक बार मैग्नेट ले लें, हम उसके नॉर्थ पोल से स्टार्ट करते हैं, हम उसके नॉर्थ पोल पर सबसे पहले एक बार कंपास रखते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल पर कंपास रखते हैं, हम देखेंगे कि वो जो कंपास नीडल है कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। जिस भी डायरेक्शन में ये नीडल पॉइंट कर रही है उस जगह पर हम फिर एक मार्क लगा देते हैं। ठीक है, फिर उस जगह पर हम वापस से कंपास नीडल को रखते हैं, उस जगह पर हम फिर से कंपास नीडल को रखते हैं, हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में उसकी नीडल पॉइंट कर रही है, हम कंपास को रख के फिर से वही एक्टिविटी करते हैं। फिर उस पॉइंट पर वापस से कंपास को रखा जाएगा और फिर से डायरेक्शन देखी जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन, ये एक्टिविटी हम करते चले जाएंगे। ये एक्टिविटी हम करते चले जाएंगे, पॉइंट्स मार्क करते जाएंगे और कंपास नीडल को वहां पर रखते जाएंगे। What we'll see is that ये जो पाथ एक तरह से बन रहा है, ये जो अलग अलग पोजीशंस हमें मिल रही हैं, कंपास नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है उससे ये जो एक हमें पाथ मिल रहा है, we'll see that this path will always terminate on the magnet itself। ये पाथ जो है इसकी एंडिंग भी वापस हमेशा मैग्नेट पर ही होगी। शुरू हमने मैग्नेट से किया है, एंड भी वो वापस मैग्नेट पर ही करेगा। इस तरह से मार्किंग्स बनाते बनाते हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे। एंड वेन वी ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी। दिस विल बी वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये जो लाइन है, ये जो एक कर्व है, इसको फिर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल देते हैं। ठीक है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द पाथ ऑन विच द कंपास नीडल विल मूव अराउंड अ मैग्नेट, और वी कैन से इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें पता चलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ ऑन विच
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ ऑन विच अ कंपस नीडल मूव्स अराउंड अ मैग्नेट.